आज एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर हम आपके बीच में आए हैं। आज देश में काला धन पर एक नई पिक्चर चल रही है, उसका नाम है कभी पनामा कभी पैराडाइज। उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं श्री नरेंद्र मोदी, और ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से पिट गई है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आए ये कहकर के श्री नरेंद्र मोदी 80 लाख करोड़ का काला धन विदेशों से 100 दिन में लेकर आएंगे और 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जमा करवाएंगे। सच्चाई यह है कि 41 महीने बीत जाने के बाद मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने विदेश में छुपे काला धन पर जीरो कार्रवाई की है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लिक्टन स्टीन बैंक में 23 कालाधन धारकों के नाम सामने आए और उसके बाद 628 नाम स्विस लीग्स एचएसबीसी जिसे कहा जाता था कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में, और उसके बाद 2015 में यह संख्या बढ़कर 1195 हो गई, यानी 1195 कालाधन धारकों के नाम एचएसबीसी के माध्यम से सामने आए। आज तक मोदी सरकार ने लिक्टनस्टीन बैंक, जो एक ऑफशोर टैक्स हेवन है, और इसी प्रकार से एचएसबीसी बैंक, उनके कालाधन धारकों पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद पनामा पेपर्स में 500 नाम सामने आए, मोदी जी ने उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, और अब 714 नाम कालाधन धारकों के पैराडाइज पेपर्स में सामने आ गए हैं, उनमें भी कोई कार्रवाई मोदी जी करने वाले नहीं। आज तक ना लिक्टनस्टीन बैंक के, ना एचएसबीसी बैंक के, ना पनामा पेपर्स के और ना पैराडाइज पेपर्स के, इनमें से किसी कालाधन धारक का नाम सार्वजनिक भी श्री नरेंद्र मोदी जी या मोदी सरकार ने नहीं किया, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो उनकी पिक्चर है उसका नाम है कभी पनामा कभी पैराडाइज, जिसके वो स्वयं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। चार बड़े कालाधन धारकों के या उस ऑफशोर टैक्स हेवन से जुड़े लोगों के उदाहरण अब सार्वजनिक पटल पर हैं। सबसे पहला नाम उस लिस्ट में है भाजपा सांसद और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पुत्र श्री अभिषेक सिंह का। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ के द्वारा जो जानकारी सार्वजनिक की गई उसमें अभिषेक सिंह जी का नाम सामने आया, और उस वेबसाइट के रेलेवेंट कनेक्शन को हम आज फिर रिलीज कर रहे हैं। उसमें जो बात स्पष्ट तौर से सामने आई वो ये है कि अभिषेक सिंह जी एक कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम है क्वेस्ट हाइट्स। ये 12 जुलाई 2008 को ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड, जो एक टैक्स हेवन है, उसमें रजिस्टर होती है। इसका एड्रेस दिया गया है रमन मेडिकल स्टोर कावर्धा छत्तीसगढ़।
क्वेस्ट हाइट्स के डायरेक्टर अभिषेक सिंह हैं। अभिषेक सिंह शेयर कॉर्प नाम की एक और एंटिटी को अपना शेयर होल्डिंग नॉमिनी नियुक्त करते हैं। सच्चाई में शेयर कॉर्प का नाम है पोर्ट कलिस, और यह कंपनी भी उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, रमन मेडिकल स्टोर कावर्धा छत्तीसगढ़। यह कहा गया है कि शेयर कॉर्प का एक फॉरेन बैंक अकाउंट स्विस बैंक यूबीएस एजी में भी है, जिसकी जांच होनी अभी बाकी है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ना डॉक्टर रमन सिंह ना उनके पुत्र के खिलाफ कोई सीबीआई, ईडी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते, ना बयान देते, ना जांच करते। पनामा पेपर्स में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दो और नेताओं के नाम सामने आए। एक थे शिशिर बजोरिया पश्चिम बंगाल से, जो अब आईआईएम शिलोंग के मुखिया नियुक्त कर दिए गए हैं, और दूसरे थे अनुराग केजरीवाल। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उनके किसी संबंधों की जांच की गई? और अब 714 नाम जो सामने आए हैं पैराडाइज पेपर्स में, उनमें भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नाम सामने। पहला नाम है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जयंत सिन्हा जी का। कई तथ्य हैं जयंत सिन्हा जी से जो विच स्टैंड आउट इन पब्लिक डोमेन। फर्स्टली, डी लाइट डिजाइन इज ए यूएस बेस्ड कंपनी, और इसकी एक सब्सिडरी है ऑफशोर टैक्स हेवन केमन आइलैंड में इसी नाम से। दिस टैक्स हेवन बेस्ड सब्सिडरी रेज्ड ए लोन ऑफ $3 million, यानी 30 लाख डॉलर का लोन इस ऑफशोर कंपनी ने रेज किया। ए लोन एग्रीमेंट डेटेड December 31, 2012 वॉज साइंड, वेयर श्री जयंत सिन्हा इज ए सिग्नेटरी एज ऑल्सो ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एज वी ऑल नो, सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ ऑल दीज ऑफशोर बेस्ड टैक्स हेवन कंपनीज आर क्वेश्चन बाय इंडियन अथॉरिटीज एज अनडिक्लेयर्ड इनकम और इन लूज पार्लेंस ब्लैक मनी। श्री जयंत सिन्हा ने डीलाइट डिजाइन का डायरेक्टर होने की बात, इस लोन का सिग्नेटरी होने की बात ना प्रधानमंत्री कार्यालय में दी सूचना में बताई और ना ही अपने इलेक्शन एफिडेविट में बताई। ऐसा क्यों? दूसरी बात जो इससे जुड़ी है, श्री जयंत सिन्हा मई 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद भी वो डीलाइट डिजाइन के डायरेक्टर के पद पर बने रहे, और डीलाइट डिजाइन से उनकी अपनी एडमिशन के मुताबिक वो पैसा भी रिसीव करते रहे और शेयर्स भी रिसीव किए। तीसरा, श्री जयंत सिन्हा आज भी ही रेफ्यूजेस टू क्वांटिफाई और डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन द फॉर प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अनदर कंपनी टू विच ही इज लिंक्ड, ओमिदियार नेटवर्क, एंड द इन्वेस्टमेंट दैट ओमिदियार नेटवर्क मेड आइदर इन डीलाइट डिजाइन और इन एनी अदर कॉरपोरेट एंटिटीज, ऑल्सो इंक्लूडिंग वेदर एनी पार्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ओमिदियार नेटवर्क वॉज इन एनी एंटिटी बेस्ड इन ए टैक्स हेवन एट ऑल। ही रेफ्यूजेस टू डिस्क्लोज दिस। श्री जयंत सिन्हा ऑल्सो रेफ्यूजेस टू डिस्क्लोज द वेरियस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दैट ही साइंड एज ए डायरेक्टर और एन एम्प्लॉय ऑफ ओमिदियार नेटवर्क एज ऑल्सो ऑफ डीलाइट डिजाइन। वेदर एनी सच इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन ऑफशोर टैक्स हेवन लाइक द वन दैट आई जस्ट डिस्क्लोज्ड,
Shri Jain Sinha is also a director of 6 other companies: Treehouse Education and Accessories Limited, Omidyar Network India Advisors Private Limited, Verse Innovation Private Limited, Aspiring Mind Assessment Private Limited, Delight Design Inc. Pooja Holdings LLC. Do these 6 companies have any connection at all to any offshore entities, like in case of Omidyar Network is a question. And another expose made in last 72 hours also pointed out as to how the same minister, Shri Jain Sinha, is director of India Foundation, and as Minister of Civil Aviation, he sits on their board as director, while Boeing and other civil aviation companies provide funding to India Foundation. Does it not compromise? The question is simple. Does it not compromise the position of Shri Jain Sinha as MOS Civil Aviation, as part of the cabinet minister of Prime Minister Modi's cabinet? Does it not tantamount to a conflict of interest when he is a union minister? He is not a private individual doing business. Does the non-disclosure of all this information in the affidavit before Election Commission not tantamount to an election offence? Or itna hi nahi, ek bada naam aur samne aaya. Bharatiya Janata Party ne Rajya Sabha ke sabse ameer sansad श्री आर के सिन्हा को बिहार से राज्यसभा का सांसद बनाया. अब श्री आर के सिन्हा ने इस खुलासे के बाद कहा है कि वो 7 दिन अब मौन व्रत रखेंगे, बोलेंगे ही नहीं, ताकि ऐसे सुविधाजनक सवालों का जवाब शायद ना देना पड़े. पर 3 तथ्य सामने आए हैं. 3 इंटरनेशनल टैक्स हेवन बेस्ड ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं, जो आर के सिन्हा जी से सीधी जुड़ी हैं. और आर के सिन्हा जी निजी व्यक्ति नहीं, कोई प्राइवेट बिजनेसमैन नहीं, ही इज ए पब्लिक फिगर. ही इज ए बीजेपी एमपी हुम प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनली टूक इंटरेस्ट इन इलेक्टिंग एंड गेव ए टिकट टू. Shri R.K. Sinha, his wife Rita Kishor Sinha and Ritu Raj Kishor Sinha, who is his son, are owners of an offshore company called SIS, Asia Pacific Holdings Limited. And this company is based in the offshore tax haven of Malta. Startling facts further reveal कि ये जो कंपनी है, देर एक और कंपनी है इसके साथ साथ, और वो ऑफशोर टैक्स सेवन ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड में है, और उस कंपनी का नाम है SIS इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड. SIS इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड जो ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड में है, वो 39,99,999 शेयर माल्टा बेस्ड कंपनी की मालिक भी है, उसके अंदर वो होल्ड करती है. और एक तीसरी इंटरनेशनल कंपनी सामने आई, PCL इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड, ये भी माल्टा बेस्ड कंपनी है. इसने भी इस ओरिजिनल कंपनी SAPHL जो है, इसके शेयर SIHL को ट्रांसफर किए हैं. प्रश्न बड़ा सीधा है. दो कंपनियां माल्टा में हैं, एक ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड में है. ये सारे टैक्स हेवंस हैं. आर के सिन्हा जी को जब मोदी जी भाजपा का सांसद बनाते हैं, तो वो ये सारी कंपनियों के नाम इलेक्शन एफिडेविट में लिखना भूल जाते हैं. राज्यसभा सचिवालय को जो इंफॉर्मेशन जाती है, उसमें भी ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होती. क्वेश्चन इज, व्हाट आर दीज इंटरनेशनल टैक्स हेवन बेस्ड एंटिटीज ऑफ श्री सिन्हा एंड हिज फैमिली? What is the source of funds of the companies owned by an investment made by BJP MP and his family members? Is the non-disclosure in the election affidavit not an electoral offence? Did the BJP and Modi government not know about all these
ऑफशोर टैक्स हेवन बेस्ड ट्रांजैक्शंस, और इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहेंगे। हमारे सीधे सीधे चार प्रश्न हैं। पहला, मोदी सरकार ने लिक्टनस्टीन बैंक, एचएसबीसी, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, इनमें कुल मिलाकर 2,432 खाता धारकों के नाम अब सामने आ गए हैं। 23 लिक्टनस्टीन बैंक में, 1,195 एचएसबीसी में, 500 पनामा पेपर्स में और 714 पैराडाइज पेपर्स में। इन 2,432 लोगों के नाम, जैसा मोदी जी मांग करते थे, हम पूछते हैं कि वो सार्वजनिक पटल पर कब रखेंगे? क्यों, क्या श्री नरेंद्र मोदी इन लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्योंकि ये शंका सबके मन में, देश के मन में आज पैदा हो रही है। आज तक मोदी सरकार द्वारा अभिषेक सिंह पर, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, शिशिर बजोरिया पर, अनुराग केजरीवाल पर और दूसरे इन लोगों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? हो सकता है जयंत सिन्हा जी अपनी बात का पक्ष साफ तौर से रख पाएं, परंतु ये सारे तथ्य और ऑफशोर बैंक अकाउंट्स कनेक्शन सामने आने के बाद, क्या प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टि से मोदी जी को जयंत सिन्हा जी पर और आर के सिन्हा जी पर एफआईआर दर्ज करके जांच नहीं करनी चाहिए? क्या मोदी जी ये करने का साहस दिखाएंगे? तीसरा प्रश्न, क्या प्रधानमंत्री, जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का राग सारा दिन अलापते हैं पर किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्या वो ये सारी जानकारी इन 2,432 लोगों की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख, जो काले धन की जांच कर रहा है बेंच, इसकी एक व्यापक जांच के लिए कहेंगे? या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और उसके साथ साथ एनिमिटी डायरेक्टरेट ईडी, वो अब एफआईआर दर्ज कर इन लोगों पर रेड करेंगे? और चौथा और आखिरी सवाल है, क्या नोटबंदी की तालाबंदी मोदी जी ने इन सब कालाधन धारकों से देश का ध्यान बांटने और इनको बचाने के लिए लागू की थी?